जोधपुर में आईटीआई कॉलेज में पिछले 7 माह से कक्षाएं संचालित नहीं होने से विद्यार्थियों को पढ़ाई में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको हम बता दें कि नगर में आईटीआई कॉलेज में कुल 4 ट्रेड हैं। सभी ट्रेड इंजीनियरिंग, ड्राइंग और वर्कशॉप की कक्षाएं संचालित नहीं हो पा रही हैं, जिसमें विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए खासी परेशानी हो रही है। इस संबंध में विद्यार्थियों ने तहसीलदार राजेश गोहा को ज्ञापन सौंपा है। कॉलेज में पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था की मांग की गई है। वहीं इस मामले में तहसीलदार ने विद्यार्थियों को समस्या को लेकर वरिष्ठ अधिकारी को अवगत कराने का आश्वासन दिया है। वहीं प्राचार्य सुरेंद्र सूर्यवंशी ने बताया कि शासन स्तर पर शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होने से स्टाफ की कमी बनी हुई है। हमने आज हमने ज्ञापन दिया तहसीलदार महोदय को। हमारी शिक्षक व्यवस्था बिल्कुल भी है, 7-8 मंथ से कुछ भी नहीं हो रहा है कॉलेज में, बस आते और जाते हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है कॉलेज में। नहीं तो हमारा 7-8 मंथ से प्रैक्टिकल हुए या कुछ भी नहीं, ईडी और वर्कशॉप पे आज तक क्लास भी नहीं लगी है। किसी भी लगे थे ईडी और वर्कशॉप लगी, कितना समय हो गया क्लास नहीं लगी? 7 महीने, 7-8 महीने हो गए लगभग। प्रैक्टिकल वगैरह टाइम से हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं, प्रैक्टिकल तो बहुत दूर की बात है ना। प्रैक्टिकल हुए 1 वर्ष हो गया पूरा, अभी तक कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं। आधे टूल्स वगैरह यहाँ पे कुछ भी उपलब्ध नहीं है। और जो है जो टूल्स रखे हैं ना वो भी निकालते नहीं है, मतलब जो दिखाई रहते हैं आधे, वो भी मतलब टाइम नहीं मिलता है दिखाने का किसको। इसके पहले तुम लोगों ने टीचर्स को या किसी को इस टाइप की जानकारी से अवगत कराया कि हमारे परेशानी आ रही है? हमने जानकारी से अवगत कराया था कि हम करा रहे हैं, प्रैक्टिकल चल रहा है, बाकी हमारे पास टूल्स अवेलेबल नहीं है। आगे से हमने प्रोसेस कर रखी है, वो आएंगे। प्राचार्य का क्या कहना है? सर ने उनके स्तर से कोशिश करी, बाकी जो आगे प्रशासन है उनके जो डिपार्टमेंट में आता है सर, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी इस चीज़ की। अगर ये तुम्हारी मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे क्या रूपरेखा आप लोगों की? आगे हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम इस पे मतलब धरना प्रदर्शन अभी आंदोलन करेंगे मीडिया के माध्यम से हम मतलब बहुत बड़ा मतलब इसको विकराट रूप लेंगे, क्योंकि सर शिक्षा मेन चीज शिक्षा है यहाँ पे, सारी सुविधाएं। आपने वो लगाया कि किसी टीचर द्वारा आपको प्रताड़ित किया जा रहा है राजनीतिक द्वेष भावनाओं को लेकर, इसमें क्या कहना पेरेंट्स को? सर बात ये है कि हम यहाँ पे एप्लीकेशन लेके आए थे सर के पास, तो यूँ हमें मतलब एक दो बार बोला गया कि तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं होगा यहाँ से, डिप यूँ ऐसा कुछ भी ना, तुम आगे भी करो कुछ नहीं हो पाएगा। तो सर कुछ कैसे नहीं होगा, कैसे नहीं होगा कुछ? हम छात्र हैं सर, शिक्षा नहीं मिल रही है, हम सुबह से आते हैं यहाँ पे 7 घंटे वेस्ट किया जाए, 2 साल हमारे सर, 2 साल बहुत बड़ी चीज होगा। 2 साल सर उज्जैन उज्जैन से तक बंदे आते हैं, उज्जैन से बंदे आते हैं यहाँ पे किराया लगा के सर, सर, सर मैं खुद रतलाम साइड से हूँ। सर यहाँ के बच्चे आसपास का लोकल तो है नहीं, लोकल नहीं सर, बाहर बाहरी लोग रूम लेकर रह रहे हैं, बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, बस आके रूम का किराया बिगाड़े, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो जाए। स्टाफ की कमी है, उसके लिए हमने पत्र व्यवहार किया उच्च अधिकारियों को, और शासन स्तर पर अभी कोई नियुक्ति नहीं हो पा रही है, इस कारण से स्टाफ की थोड़ी समस्या है। उसकी व्यवस्था हमने ये की है कि अभी एक टीचर भी 2 क्लास ले रहा है, इस कारण से बच्चों को समस्या है थोड़ी सी। सर इस बात को लेकर लोकल एडजस्टमेंट जो यहाँ पर अधिकारी हैं मिश्रा जी, IAS, आपने उनको अवगत कराया? जी हाँ, सभी को अवगत करा रखा हमने, भोपाल तक अवगत कराया है। छात्रों का कहना है कि भर्ती होना है गेस्ट फैकल्टी की, और ये हो नहीं पा रही। छात्रों का कहना 7 माह हो चुके हैं, 7 माह से कोई फैकल्टी से नहीं है जो पढ़ाने के लिए, प्रैक्टिकल भी नहीं हो रहा, प्रैक्टिकल भी नहीं हो रहा। एक साथ बताया कि 5 टीचर मौजूद है यहाँ पर, जिस फील्ड के टीचर होना चाहिए उस फील्ड के टीचर नहीं है, ऐसा उनका मानना है। केवल ड्राइंग और मैथ्स के टीचर नहीं है, 8 महीने से केवल ड्राइंग और प्रैक्टिकल नहीं हुआ। ये व्यवस्था जो है आपके द्वारा सुनिश्चित सुधार के लिए हो जाएगी सर? अभी जैसा कि तहसीलदार साहब ने बताया, आगे शासन स्तर पर बात होके जल्द ही इसका निराकरण। छात्रों ने आरोप लगाया कि टीचर अवैध व्यवहार करते हैं, इसको लेकर क्या कहना? सर अनुशासन के लिए थोड़ी सख्ती रखना पड़ती है हमारे यहाँ, राजनीति तरीके नहीं, कोई राजनीतिक दबाव नहीं बनाया जाता, वो बच्चा बताए कि किसने उसको पॉलिटिकल प्रेशर बनाया, ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के इसमें पॉलिटिकल प्रेशर कहाँ से आएगा? पेरेंट्स के ऊपर बनाया जाता है, उनका कहना हमारे पेरेंट्स पर दबाव बनाया जाता है। नहीं नहीं, इस तरह की आपका बच्चा राजनीति कर रहा है, कोई शिकायत नहीं की राइटिंग में, मुझे केवल टीचर की कमी को लेकर बच्चों ने शिकायत की है, और मैंने उस संबंध में वरिष्ठ कार्यालय को अवगत करा दीजिएगा। बात यह है कि यहाँ के बच्चों ने कल आके तहसील मुझे समस्या बताई थी कि 6-7 महीने से पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रही है और बच्चे सब फालतू घूम रहे हैं यहाँ पे। इस संबंध में मैंने कहा मैं कल आज का समय दिया इनको, मैं स्वयं ही यहाँ आया यहाँ पे, और यहाँ आकर मैंने सभी बच्चों से मिला और सभी कॉलेज का निरीक्षण भी किया। यहाँ पर मैंने यहाँ के प्रभारी प्रिंसिपल साहब से बात करी, उन्होंने बताया कि भोपाल से पत्राचार हो रहा है, शिक्षकों की कमी है और उसकी पूर्ति के लिए बार बार आवेदन किए जा रहे हैं। मैंने इन सब बच्चों की समस्या और ज्ञापन लेके मैं कल अपने वरिष्ठ अधिकारी मैंने HDM महोदय को अवगत कराऊंगा, और जिनके माध्यम से भोपाल तक चर्चा करके उनके टेक्निकल बोर्ड हैं वहाँ चर्चा करके और उनकी समस्याओं को जल्दी जल्दी हल कराने का प्रयास करूँगा।
बच्चों को समझाई दी, जितने टीचर हैं उन लोगों से कम जब तक तो अपनी पढ़ाई निर्वाध जारी रखें अपनी और अपने भविष्य बनाए। ऐसे छात्रों को कहना है सर कि जो यहाँ पर टीचर मौजूद है वो अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं छात्रों से। ये तो देखिए गुरु और शिष्य के बीच की बात है और बच्चों को भी अपने उसमें रहना पड़ेगा और गुरु के संबंध में हम ये कहें कि मैं खैर अपनी तरफ से मैं समझा दूंगा। कहीं ना कहीं शिक्षक राजनीति द्वेष वाली बात करते हैं, राजनीति तरह की बात करते हैं, शिक्षक इस तरीके से अगर बात करते हैं तो पेरेंट्स पे दबाव बनाया जाता है, दबाव बनाया कि मार्क्स कम देने को लेकर दबाव बनाया है, प्रैक्टिकल में नंबर कम दिए जाएंगे, शब्दों का विरोध होता है कि आपसे बनने जो करनी चाहिए सर, इस शब्द के बारे में क्या? नहीं, इस शब्द में जो इन्होंने कहा है, मैं अभी अभी आया हूँ और पर्सनली मैं टीचर मैडम से बात करूँगा और भविष्य में ऐसा ना हो इस संबंध में समझाएंगे।